एक महीने से सिर्फ न्याय के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब। उनको डिटेन किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जैसे हम ही लोग अपराधी हैं। और बृजभूषण है वो देवता आदमी है जिसके ऊपर हमने केस फाइल किया हुआ सभी महिला पहलवानों ने। आदेश हमारे साथ में हमें पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बच्चे हैं, हमने कभी ये पहले देखा नहीं है, हमें नहीं पता कल आने वाला हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जिंदा होंगे, मरे होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है। पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप सब लोग इतनी रात में हमारे साथ बैठे हो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है सभी के मन में और दिमाग में, शायद हम कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से बैठे हैं यहाँ पे। सरकार हम पर समझौते का दबाव बना रही है, लेकिन हम महिला पहलवान समझौते को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो कंडीशन दी जा रही है वो बृजभूषण को गिरफ्तार करने की बिल्कुल नहीं है। कल होने वाली महिला सम्मान महापंचायत होकर रहेगी। सरकार ने पंजाब से आ रही महिलाओं पर बाहरी पुलिस बल तैनात कर दी है। हमारे पास वीडियो फोटोज बहुत सारे आ रहे हैं। अंबाला के गुरुद्वारा साहिब में उनके रुकने का प्रबंध किया हुआ था, उसे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धरने से जुड़ी कई कार्यकर्ताओं के घर पे छापेमारी भी की गई है और चल रही है रात को भी। पुलिस ने कल सारी नई दिल्ली को बंद कर दिया है, लेकिन सभी से अनुरोध है कि आप शांतिपूर्ण महिला सम्मान महापंचायत में जरूर पहुंचे। पुलिस हमारे ऊपर किसी भी तरह के बल का प्रयोग करें हम सब सहेंगे, लेकिन बिना कोई हिंसा के हमें आगे बढ़ना है और कल होने वाली पंचायत में जरूर पहुंचना है। देश की बेटियों का सवाल है। बहुत मुश्किल सिचुएशन में बैठे हुए हम सब भी। हिम्मत मत हारिए आप प्लीज, हिम्मत हम सब आपके साथ। पूरा देश हमारे साथ में, हमें पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बच्चे हैं, हमने कभी ये पहले देखा नहीं है, हमें नहीं पता कल आने वाला हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जिंदा होंगे, मरे होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि रेसलिंग की है और एक महीने से सिर्फ न्याय के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब, लेकिन न्याय दिलवाने के बजाय और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जो लोग शांति से अपने अपने घरों से समर्थन देने के लिए या अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए घर से आ रहे थे, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जैसे हम ही लोग अपराधी हैं। और बृजभूषण है वो देवता आदमी है जिसके ऊपर हमने केस फाइल किया हुआ सभी महिला पहलवानों ने। पूरा देश हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पूरा देश साथ खड़ा है तो हम आज हिम्मत से आप सबके सामने खड़े हैं और जब तक जिंदा हैं खड़े रहेंगे, झुकेंगे नहीं। बस पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप सब लोग इतनी रात में हमारे साथ बैठे हो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है सभी के मन में और दिमाग में, शायद हम कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से बैठे हैं यहाँ पे। सरकार हम पर समझौते का दबाव बना रही है, लेकिन हम महिला पहलवान समझौते को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो कंडीशन दी जा रही है वो बृजभूषण को गिरफ्तार करने की बिल्कुल नहीं है। कल होने वाली महिला सम्मान महापंचायत होकर रहेगी। सरकार ने पंजाब से आ रही महिलाओं पर बाहरी पुलिस बल तैनात कर दी है। हमारे पास वीडियो फोटोज बहुत सारे आ रहे हैं। अंबाला के गुरुद्वारा साहिब में उनके रुकने का प्रबंध किया हुआ था, उसे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धरने से जुड़ी कई कार्यकर्ताओं के घर पे छापेमारी भी की गई है और चल रही है रात को भी। पुलिस ने कल सारी नई दिल्ली को बंद कर दिया है, लेकिन सभी से अनुरोध है कि आप शांतिपूर्ण महिला सम्मान महापंचायत में जरूर पहुंचे। पुलिस हमारे ऊपर किसी भी तरह के बल का प्रयोग करें हम सब सहेंगे, लेकिन बिना कोई हिंसा के हमें आगे बढ़ना है और कल होने वाली पंचायत में जरूर पहुंचना है। देश की बेटियों का सवाल है। बहुत मुश्किल सिचुएशन में बैठे हुए हम सब भी। हिम्मत बता दिया सब आपके साथ, पूरा देश हमारे साथ में, हमें पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बच्चे हैं, हमने कभी ये पहले देखा नहीं है, हमें नहीं पता कल आने वाला हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जिंदा होंगे, मरे होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि रेसलिंग की है और एक महीने से सिर्फ न्याय के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब, लेकिन न्याय दिलवाने के बजाय और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जो लोग शांति से अपने अपने घरों से समर्थन देने के लिए या अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए घर से आ रहे थे, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जैसे हम ही लोग अपराधी हैं। और बृजभूषण है वो देवता आदमी है जिसके ऊपर हमने केस फाइल किया हुआ सभी महिला पहलवानों ने। पूरा देश हम धन्यवाद करना चाहते हैं, पूरा देश साथ खड़ा है, तो हम आज हिम्मत से आप सबके सामने खड़े हैं और जब तक जिंदा हैं खड़े रहेंगे, झुकेंगे नहीं बस।